सेमेस्टर थ्री के एग्ज़ाम का वक्त काफ़ी करीब आ चुका है ऐसे में आप लोगों को आ, हर पेपर को पैरेलल पढ़ाई करनी चाहिए हर पेपर को आप सामने रखें रूटीन बना लें एक एक रोड मैप बना लें कैसे पेपर की तैयारी करनी है कौन सा पेपर पे ज़्यादा फोकस करना है तो उस हिसाब से आप पढ़ेंगे तो आपका जो सलेबस कम्प्लीट हो जाएगा और एग्ज़ाम आपका काफ़ी अच्छा जाएगा ठीक है तो चलें कल तो मैंने आपको नंबर सिस्टम के बेसिक बताए थे आज के इस सेक वन पेपर में जो आपका एक सेक पेपर है सेकवन पेपर के आज नंबर सिस्टम का कन्वर्जन बता देंगे चूँकि ऑब्जेक्टिव में एक नंबर दिया जाएगा को एक नंबर बाइनरी या डेसिमल और आपको बताना होगा कि इसकी डेसिमल क्या है अगर बाइनरी दिया रहेगा और आपको बताना है इसकी डेसिमल क्या है ठीक है या डेसिमल दिया रहेगा डेसिमल दिया रहेगा आपको बताना है इसकी बाइनरी क्या है राइट तो इस टाइप से क्वेश्चन दिया जाएगा तो चलिए सबसे पहले जो नंबर सिस्टम में कन्वर्जन में आपको हम दिखाते हैं डेसीमल टू डेसीमल टू बाइनरी अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज़ को जानते होंगे तो अगर जो जान रहे हैं बनाना तो उस वो वीडियो को स्किप कर सकते हैं और आप फर्दर और दूसरा नया टॉपिक को पढ़ सकते हैं लेकिन जो नहीं जानते बहुत सारे स्टूडेंट नहीं जानते हैं आ, तो वो इस वीडियो को फोकस करें वॉच करें और समझने की कोशिश करें ये बिल्कुल आपके लिए नया टॉपिक हो सकता है बट इसको ज़ीरो लेवल से पढ़ा रहे हैं तो आपको समझ में आ जाना चाहिए अब डेसिमल नंबर हमने आपको कल बताया था कोई भी नंबर कोई भी नंबर जिसका बेस ए बेस टेन होता हो उसको हम कहते हैं डेसीमल नंबर और इसको बदलना आपको बाइनरी नंबर में जिसका बेस टू होता है ठीक है जिसका बेस टू होता है उसको आपको बाइनरी नंबर कहते हैं और जिसका बेस जो है टेन होता है उसको डेसिमल कहते हैं तो एग्ज़ाम में दिया रहेगा फोर सिक्स एट का बाइनरी नंबर क्या होता है बाइनरी नंबर आपको पता है कि वन जीरो वन ज़ीरो वन सिर्फ वन और जीरो की कॉम्बिनेशन से बाइनरी नंबर बनता है तो इसकी स्टेप क्या है सबसे पहले आप सिक्स क्लास में सेवन क्लास में पढ़े होंगे इस टाइप से डिवाइड करना तो ये हमारा डेसीमल नंबर है इसको अब आपको डिवाइड करना है ठीक है दो से ही, याद रखें दो से करना है चूँकि यहाँ बेस कितना है दो तो दो से करेंगे तो यहाँ पर दो दू चार हो जाएगा फिर यहाँ पे दो या छः हो जाएगा फिर दो चौके आठ हो जाएगा पूरा पूरी कट जाएगा और कितना बचेगा ज़ीरो बचेगा फिर यहाँ पे देखते हैं दो का फिर टेबल पढ़ेंगे दो एक दो एक दो यानी टू वन या टू फिर यहाँ देंगे टू वन या टू तो यहाँ एक बचेगा ठीक है और यहाँ चौदह हो गया दो सत चौदह पूरा पूरी कट गया यहाँ बच गया जीरो ठीक है आगे देखते हैं फिर यहाँ दो ही से देंगे आप ऐसा ना करें जिससे कटेगा उससे देंगे आपको सिर्फ दो से करना है फिर यहाँ पे दो पच्छे दस हो जाएगा यहाँ बचेगा एक और ये सत्रह दो अठे सोलह तो एक बचा तो एक यहाँ लिख देंगे ठीक है उसके बाद यहाँ फिर से देंगे दो दो ना चार यहाँ बचेगा एक दो न्ठारह यहाँ हो गया आपका ज़ीरो पूरा कट गया ये पूरा कटा ज़ीरो बच गया अब यहाँ फिर देंगे टू वन जा टू और टू फोर जा एट तो कितना बचा यहाँ पे वन फिर यहाँ पे देंगे टू सेवन जा फोरटीन यहाँ ज़ीरो बचा फिर यहाँ पे टू थ्री जा आ, इसको टू थ्री जा सिक्स करेंगे यहाँ कितना बचेगा वन और यहाँ फिर कर देंगे टू वन जा टू यहाँ बचेगा वन तो ये आपका कंप्लीट हो गया लास्ट में वन आ गया बिल्कुल तो अब यहाँ क्या करेंगे इसको नीचे से लिखना शुरू करेंगे ठीक है नीचे से लिखना शुरू करेंगे तो नीचे में हमारा क्या सबसे पहले क्या है वन है फिर यहाँ पे देखें आप फिर यहाँ पे वन है फिर ये क्या है वन है फिर यहाँ देखें आप ये वन है फिर ज़ीरो है फिर वन है ज़ीरो है वन डबल ज़ीरो अब इसको आप ऐसे ब्रैकेट लगा के यहाँ बेस कितना लगा देंगे टू लगा देंगे तो अब आप देख सकते हैं फोर सिक्स एट का ये बाइनरी नंबर अब आपको ऑप्शन में ये भी दिया, दिया जा सकता है ये वाला ठीक है ना और दूसरा आपको इस तरीके से वन जीरो ज़ीरो वन ज़ीरो जीरो, जीरो वन 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 ये दिया रहेगा एक और ऑप्शन दिया रहेगा वन वन जीरो जीरो वन वन जीरो 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 वन, जीरो 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 वन। अब आप अगर पढ़ के जाएंगे तभी तो सही ऑप्शन पर टिक लगाएंगे ना अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं आता होगा नहीं निकालना आपको आता होगा तो फिर आप कैसे इसको निकालेंगे फाइंड आउट करेंगे तो ये आपका बेसिक एग्जाम्पल है आप इसको अच्छे से एक बार पहले बना लें और फिर जब हम क्वेश्चन देंगे ऑब्जेक्टिव तो उसको आप खुद से सॉल्व करके अपने आप को टेस्ट कर लेंगे कि आप कितने एलिजिबल हैं तो ये हो गया आपका बाइनरी नंबर डेसिमल टू बाइनरी एक एग्जांपल और दिखा देते हैं इसका आपको एग्जांपल देखें सपोज मैं यहाँ पे लेता हूँ वन फोर जीरो आपका डेसिमल नंबर है इसको आपको बदलना है बाइनरी में बदलना है ठीक है तो फिर वही स्टेप होगा इसको लिखना है वन फोर ज़ीरो को और इसको डिवाइड करना है इस तरीके से ठीक है इसको डिवाइड करना है इस तरीके से कैसे होगा तो यहाँ पे टू सेवन या फोरटीन और यहाँ ज़ीरो यानी कि सत्तर दूना एक सौ चालीस होता है और जीरो बचेगा फिर यहाँ पे डायरेक्टली कर सकते हैं पैंतीस दूना सत्तर दो पैंतीस यहाँ कितना बचेगा ज़ीरो बचेगा अब यहाँ देखेंगे दो एकम दो एक पंद्रह हो गया दो सत्य चौदह तो बचेगा एक फिर यहाँ पे सत्रह है तो दो अठे सोलह कितना बचेगा एक फिर यहाँ पे दो चौके आठ कितना बचेगा ज़ीरो फिर यहाँ पे टू टू या फोर कितना बचेगा ज़ीरो और यहाँ पे टू वन या टू बचेगा ज़ीरो नीचे से लिखने का तरीका है क्या होगा यहाँ पे वन और ट्रिपल ज़ीरो एक दो तीन फिर डबल वन फिर ज़ीरो ज़ीरो तो ये आपका ऑप्शन क्या गया वन ट्रिपल ज़ीरो फिर क्या है डबल वन फिर क्या है डबल ज़ीरो तो ये आपका आंसर आ गया 140 डेसिमल नंबर है इसका बाइनरी क्या हो गया वन ट्रिपल जीरो डबल वन डबल जीरो तो आई होप कि आपको ये वाला कन्वर्जन समझ में आ गया वो